सभी सम्मानित नेतागण और उपस्थित सभी साथियों, नौजवानों, बहनों, अब ये 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन समापन को की जा रहा है, लेकिन अब ये समापन के बाद आप गांव-गांव, जिलों, क्षेत्रों में जाएंगे तो यहाँ जो कुछ नेताओं ने रखे हुए प्रस्ताव भी राजनीतिक कार्य से प्रस्ताव पास हुआ है उसकी कॉपी जरूर लेना, और जिसको नहीं पहुंची हो तो खबर करना, वो आपके पास वो कॉपी भिजवा दी जाएगी, क्योंकि 30 साल बाद ये हो रहा है सम्मेलन और एक विशेष परिस्थितियों में हो रहा है, जो थोड़ा इशारा हमने प्रथम भाषण में भी किया था। क्या सबसे बड़ी चुनौती और समाजवादी पार्टी ने स्वीकार की है और बहुत ही पथरीले और कटीले रास्ते से चल करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। हमें याद है क्या क्या संघर्ष किया हमारे साथियों ने, जब घोषणा की नई पार्टी की, उससे पहले ही सम्मेलन हो हमें गिरफ्तार कर लिया देवरिया में, और हमारे साथ आज जो गिरफ्तार हुए थे वो साथी है नहीं, इज्जत यादव है नहीं, हीरालाल यादव है नहीं, बलराम यादव बहरा, हम लोग बालेश्वर बहरा और नौजवान भी थे, हाँ थे आप भी, और राम आप भी थे, राम दर्शन और एक वर्मा नौजवान, हम लोग को जेल भेज दिया बनारस के लिए, और कोई कसूर नहीं था किसानों पर, अनावश्यक से गोली चला दी रामकोला में, उस समय किसानों का नेतृत्व राधे श्याम सिंह कर रहे थे, किसानों का कर्जा था चीनी मिल वाल पर वो नहीं दे रहे थे, उसको लेकर किसानों ने शांतिपूर्ण आंदोलन किया था, ने गोली चलवा दी, 4 किसान शहीद हुए और बहुत बड़ी तादाद में घायल हुए। उसकी शोभा शोक सभा करने के लिए हम गए थे और रात में 2 बजे हम 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और बनारस की जेल में डाल दिया। तो हम केवल ये कहना चाहते हैं कि आज जो कुछ पार्टी बनी है बहुत ही पथरीले कटीले रास्ते से चल करके हम यहाँ तक आए हैं, और इतना संघर्ष किसी दल ने नहीं किया है, जनता की समस्या को लेकर जितना समाजवादी पार्टी ने किया। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, सत्ता में भले हो, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना मत भूलना, ना इंसाफी के खिलाफ संघर्ष करते रहना, और सांप्रदायिक सद्भाव तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है, उनको किसी तरह से सद्भावना और सद्भाव भाईचारा को तोड़ने मत देना, क्योंकि आज हम देख रहे हैं बातचीत भी फोन पर हो रही है, जो सीमा पर गोलीबारी हो रही है उसको लेकर कुछ शक्तियां लाभ उठाने के लिए हमारे कुछ अल्पसंख्यकों के बारे में राय बदलने की साजिश करेंगे, इसे सावधान रहना है और आपको मुकाबला करना है
वो अलग है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सैनिकों के बीच अब भारी फायरिंग हो रही है और कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, तो ये भी एक साजिश के तहत है। तो इसका प्रतिक्रिया हमारे देश के अंदर और आपके बीच नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना आपने। जहाँ इस तरह का कोई बहस करे तो भाईचारा मत भूलना, सब एक होकर के रहना। और इसलिए समाजवादी पार्टी यहाँ तक आई है, जो हमने शुरू में कहा ये संघर्ष की पार्टी रही है, किसानों को लेकर के संघर्ष किया, किसानों की पैदावार मुनासिब न मिलने पर संघर्ष किया, और इसी रामकोना में भी किसानों का गन्ना वसूली, गन्ना का भुगतान था वो पेमेंट नहीं हो रहा था, उसको लेकर संघर्ष हुआ। लेकिन आज हम कहना चाहते इतना शानदार संघर्ष कभी नहीं हुआ जितना उस समय रामकोना कांड के बाद। हमारी गिरफ्तारी के बाद और हमारे साथियों की गिरफ्तारी के बाद पूरे प्रदेश में आंदोलन हुआ। जब हम गिरफ्तार हो गए, आजम साहब को पता नहीं चला, आजम साहब अपने रामपुर में बाजार में निकले, जो मुझे बताया, तो वहां के लोगों ने कहा कि आपके नेता गिरफ्तार हैं, जेल में हैं और आप यहाँ घूम रहे हैं, तब आपको पता चला। हमने मुझे बताया कि तब पता चला, तो तत्काल ये मिलाई करने पहुंचे। तो हम इसलिए कहना चाहते हैं कि आज अन्याय, अत्याचार, गैरवारी के खिलाफ और किसान की पैदावार की लूट के खिलाफ लड़ते लड़ते हम यहाँ तक आए हैं। इसलिए मैंने कहा बहुत ही पसंदीदे कटीदे रास्ते से चल कर के समाजवादी पार्टी बनी है। तो अन्याय अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करना मत भूल जाना। और फिर मैं दोहराना चाहता हूँ, पाकिस्तान है और आपकी फौज की गोलीबारी का कोई असर न पड़ने पाए हमारे भाईचारा में, ये मुझे खबर है कि इसको लेकर के कुछ शक्तियां लाभ उठाने की कोशिश करेंगी राजनीतिक। तो उनका काम हमेशा रहा कि ऐसे अवसर पर वो लाभ उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बच के रहना कि हम जानते हैं पाकिस्तान कितनी भी गोलाबारी कर ले, लेकिन और आप खतरनाक रास्ते पे पाकिस्तान जाने की कोशिश भी करेगा तो हिंदुस्तान का मुकाबला वो कर नहीं पाएगा। हिंदुस्तान की बहुत शानदार और बहुत लड़ाकू फौज है, लेकिन वो संयम धीरे धीरे अभी काम ले रहे हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखना, इसकी चर्चा चलेगी, इसे हिसाब को सावधान रहना। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, नौजवान हमारे हैं, अपने नेताओं से कहेंगे बेचैनी है, और विशेषकर मुख्यमंत्री विचार करें, आप शायद महसूस न करते हो, हम सब मिलते हैं, हमारे कुछ नौजवानों में जो बेचैनी है वो भावना पैदा बताते हैं, तो नौजवानों में बेचैनी है क्योंकि नौजवानों को चाहिए राजनीति में भी काम करना चाहिए, को रोजगार भी हो, को सहारा हो, आर्थिक सहयोग मिल सके, वो राजनीति में खुल करके काम करने को तैयार हैं और कर रहे हैं। और ये सही है कि सबसे ज़्यादा संघर्ष आज से नहीं, जब से पार्टी बनी है हमेशा नौजवानों ने संघर्ष सबसे ज़्यादा किया है, नौजवानों ने सबसे ज़्यादा तकलीफ झेली है। और इसलिए हम आज नौजवानों पर आज भी छोड़ता हूँ संघर्ष
और पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी और आगे आपको रास्ता और आपको नेतृत्व करने की अभिलाषा के साथ और प्रबल इच्छा शक्ति के साथ और संकल्प शक्ति के साथ उत्साह के बाद आगे बढ़ना और इस पार्टी को आगे मजबूत ले जाना। पर आगे चल के नौजवान नेतृत्व करेंगे ही, हम लोगों ने बहुत नेतृत्व कर लिया है, अभी करते भी रहेंगे, लेकिन आखिर तो पार्टी को संभालना आप लोगों को है। इसे आपका शुरू में मैंने कहा था कि विचार करना, पढ़ना लिखना और जहाँ पर मोहल्ले में हो, चाहे गांव में हो या अन्याय हो, अत्याचार, वहाँ जनता के बीच जाकर के रोकना, जनता पर विश्वास हो कि समाजवादी पार्टी किसी स्तर पर अन्याय का बर्दाश्त नहीं कर सकती, अन्याय का विरोध करेगी, ये संदेश लेके जाना है। तो मैं कहूँगा आपके बीच जो कुछ है चर्चा रहती है अब भी मंडल को लेकर के, कि मंडल की सिफारिशों को लागू नहीं किया जा रहा, जिस तरह से मंडल आयोग ने सिफारिशें की थी, तो मंडल आयोग की सिफारिशें की थी ये सही है, उसका उतना लाभ नहीं मिल पाया। लेकिन ये ध्यान रखना, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कराने में बहुत लोग आलोचना करते हैं, मैं था उस मीटिंग में जिसमें सबसे ज़्यादा भरपूर चंद्रशेखर जी ने समर्थन किया था, और पूर्वांचल में हमेशा चंद्रशेखर जी के खिलाफ पिछड़ा वर्ग विरोधी कहा जाता है। तो एक बार मैंने उनसे कहा कि आप करिए पूर्वांचल में सभा, हम बोलेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया। मंडल की सिफारिशों को लेकर के जब बीजू पटनायक और चंद्रशेखर जी दोनों खड़े हो गए एनएक्सी में, यहाँ मीटिंग थी, और तत्कालीन प्रधानमंत्री चुप, प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया, और इसके बाद जब ये सवाल आया अयोध्या का, उस समय चेन्नई, जो अब तो चेन्नई कहने लगे महाराष्ट्र, वहाँ सौंदर्य बैठक हुई नेताओं की, और मैं बीजेपी ने बहिष्कार किया और सभी दलों ने एक राय होकर के हमारा समर्थन किया, और सब ने कहा, और सबसे महत्वपूर्ण तीन लोग ज़्यादा बोले, ज्योति बसु और चंद्रशेखर जी और राजीव गांधी, तीनों ने कहा हम भरपूर मदद करेंगे अयोध्या के सवाल पर, जिससे हमारे देश में सांप्रदायिक सद्भाव बना रहा है और देश की एकता बनी रहे। तो ये इतिहास आपका है, इस समाजवादी पार्टी का संघर्ष का इतिहास है, अन्याय के विरोध का आपका इतिहास है, किसानों की लूट के ख्याल लड़ने का साहस है, रहा है और लड़ी है पार्टी हर स्तर पर, इसीलिए इस मुकाम पर हम लोग आए हैं। इसलिए अब छोड़ता हूँ आप लोगों पर कि आगे चल के संकल्प लेके जाना, यहाँ से हम इस समाजवादी आंदोलन को अपनी नीतियों के आधार पर, अपनी ईमानदारी के आधार पर, अन्याय के खिलाफ हर स्तर पर विरोध करते हुए हम आगे समाजवादी पार्टी को ले जाएंगे और मजबूत करेंगे। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे नौजवानों की है, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। जहाँ तक ये सवाल है किसानों का, किसानों को अब भी उतना न्याय नहीं मिल पा रहा, किसानों की पैदावार के लागत मूल्य का जो सिद्धांत था समाजवादी पार्टी का, लागत खर्चे से ज़्यादा ड्योरा, जितना लागत खर्चा आता है उसका ड्योरा मूल्य मिलना चाहिए किसान, लेकिन हम लोग नहीं दिला पाए, और उसके कई कारण हैं,
क्योंकि जब तक दिल्ली का सरकार का सहयोग नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं। जब इस तरह का हमने भाषण दिया, जब खाद्य सुरक्षा बिल पर, उस समय जब रिप्लाई दिया और मैं बड़ा भरोसा था, उनका नाम ले करके कहा कि संतवा जी आप जब जवाब देंगे तो हमें विश्वास है कि संतुष्ट करेंगे पूरे सदन को और भावना सबकी बहुमत में है। उन्होंने जवाब दे दिया कि हम मुलायम सिंह के हिसाब किताब में नहीं पढ़ेंगे। क्यों दे दिया? इसे दे दिया, उनके पास वास्तव जवाब नहीं था और इसलिए उन्होंने कह दिया कि हम मुलायम सिंह के हिसाब किताब में नहीं पढ़ेंगे। अब मूल आज गन्ना किसानों की मूल लागत आती है किसान की, उनका डोरा बना पानी हो पा रहा है और फसलें हैं और अनाज की पैदावार है, उस सभी किसानों को लाभ नहीं हो पा रहा है। हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, बेरोजगारी का कोई प्रावधान नहीं किया दिल्ली सरकार ने, और का भाषण दिए बहुत लंबे चौड़े हैं, लंबे चौड़े भाषण दिए और कहा कि हम हर नौजवान को रोजगार नौकरी देंगे। दूसरी बात कहें, सीमा पर चीन या पाकिस्तान का कब्जा है हटाएंगे, हटाना तो दूर रहा लेकिन मुकाबला करना मुश्किल हो रहा है। फौज को छूट अब थोड़ी दी है, अभी तक फौज को भी छूट नहीं दी थी। इसे जहाँ तक आप सीमा पर हो रहा है उसको लेकर कहीं भी बेहत में भी कहीं समाजवादियों को ऐसा काम न हो जिससे हमारा भाईचारा पर असर पड़े। हम अपने भाईचारा को काम रखेंगे, जहाँ तक पाकिस्तान की फौजों का और हिंदुस्तान की गोलाबारी है वो वहाँ की सरकार और हम लोग विचार करेंगे, लेकिन आप लोगों तक कोई इसका कहीं प्रतिक्रिया न उठे और न प्रतिक्रिया करें। क्योंकि मुझे खबरें हैं कि कुछ लोग इससे सद्भावना और भाईचारा को तोड़ने की साजिश करेंगे। इससे बचने के लिए अगर कोई सबसे बड़ी जिम्मेदारी लेगा तो वो समाजवादी पार्टी लेगी, और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भाईचारा काम किया है। इसलिए हम चाहते जहाँ तक आपके पिछड़े वर्गों में कुछ असंतोष है कि मंडल का लाभ हमें पूरा नहीं हो पाया, वो अभी नहीं हो पाया ये सही है, लेकिन उनको भी हम बातचीत करेंगे, आप भी बातचीत करेंगे। समझाना पड़ेगा कि आप निराश न हो, कोई रास्ता निकाला जाएगा। वो केंद्र सरकार से बात करनी पड़ेगी और राज्य सरकारों को भी कुछ पहल करनी पड़ेगी। तो यार जो निराशा होती जा रही है, एक बात तो बहुत जागृति आई पिछड़ों में, आपको निराशा हो रही और विशेषकर नौजवानों में हो रही, इससे वो हमारे दल के लिए हित में नहीं है। अब आप तो यही आखिर में हम कहेंगे, यहाँ से जाकर के गांव-गांव मोहल्ले-मोहल्ले में नौजवानों का विशेष योगदान रहेगा, बातचीत करेंगे किसानों के संबंध में, बेरोजगारों के भी संबंध में, उसमें रास्ता उत्तर प्रदेश की सरकार तो निकाल रही है, ऐसा दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ काम किया भी है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ रोजगार दिया भी है, लेकिन सबसे बड़ा काम जो है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारी सद्भावना भाईचारा आपस का, इसको मत करने देना, चाहे जितनी बड़ी कुर्बानी करना पड़ा लेकिन भाईचारा, क्योंकि वो एक सिद्धांत और एक बताया था एक बार, और जब ये कहा कि कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि अविश्वास है आप सब, ये अविश्वास को खत्म करना है। आज सांप्रदायिक सद्भाव में सबसे ज्यादा बात आ रही, अविश्वास हो गया है, एक दूसरे पे अविश्वास बढ़ गया है,
तो अभिशाप को मिटाने का काम और विश्वास प्राप्त करने का काम अगर किसी का है तो समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी को अपने भाईचारा को काम रखना, सद्भावना को बनाए रखना, भाईचारा को काम रख करके देश को समाज को मजबूत कर सकते हैं। इसे हमारी अपील है कि यहाँ से जा कर के हमारे नेताओं के कुछ अच्छी बात लगी होगी, भाषण लिखे भी होंगे, याद भी किया होगा, उससे चल करके समाजवादी पार्टी को और समाजवादी आंदोलन को मजबूत करना। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं। धन्यवाद।